हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अभी कैनन एक्सएफ 605 है और अभी मेरे पास ये टैब है और मैं इससे कैसे कंट्रोल करूँगी, इसे मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, रिमोटली एक्सेस करूँगा, वो मैं एक एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ मल्टी कैमरा ऐप से। तो ये रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं मल्टी कैमरा ऐप, मतलब मल्टी कैमरा को आप एक एप्लीकेशन के थ्रू ही आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका पूरा फंक्शन और कैसे कैसे इसका स्टेप है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, पहले मेनू प्रेस कीजिए और सबसे पहले मैं इसको रिसेट करता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक एक स्टेप आप जान पाएंगे। मैं पहले रिसेट इसलिए कर देता हूँ जिससे आप लोग पहले से एकदम स्टार्टिंग से स्टेप जान पाए। तो एक एक करके आता हूँ। पहले इसको ऑन हो जाने दीजिए कैमरा को। कैमरा को ऑन हो जाने से तब मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। फिर इसको हम सेट करते हैं, ओके कर देते हैं। फिर मेनू आएंगे, मेनू में आके देखिए, इधर मैं ऑप्शन में आया नेटवर्क, इसमें इनेबल, फिर न्यू कनेक्शन, इसमें क्या करूँगा एक्सी प्रोटोकॉल। जस्ट स्टेप में थोड़ा फास्ट करूँ तो आप स्टेप फॉलो कर लीजिए वीडियो में देख के। वाईफाई के थ्रू करूँगा तो मैं उसको वाईफाई करता हूँ और मैं सेम हॉट जो हॉटस्पॉट जोन है सेम ही होना चाहिए क्योंकि वाईफाई के थ्रू ये होगा, ठीक है। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ उसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट इसमें मैं करता हूँ। अभी मैं इधर हूँ तो आपको CIS और इसमें पासवर्ड पहले देना पड़ेगा। पहले मैं इसमें पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड मैं पहले दे देता हूँ, पासवर्ड देखें तब आपको ये कनेक्ट करूँगा। मैं ये पासवर्ड मैं दे दिया। आप पासवर्ड एकदम ठीक तरीके से देंगे नहीं तो ये इनकरेक्ट दिखाएगा। देखिए ये पासवर्ड सही था इसलिए ऑटोमेटिक मैं ले लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऑप्शन में आता हूँ, उसमें ऑटोमेटिक में आऊँगा, डिजेबल, ऑटोमेटिक डिजेबल टास्क इन प्रोग्रेस, ओके, फिर क्रिएट न्यू, फिर इसको नो ऑथ जनरल टास्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फंक्शन सेव्ड, सेम चीज़ सेट वन अंश मैं इसमें करता हूँ, ओके ओके किया। देखिए यहाँ देखिएगा, यह वाईफाई का साइन आ गया। अब क्या है आपको और कुछ सेटिंग्स आपको सिर्फ इसमें करना है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको मैक ये पैड में आईपैड में आपको करना है सेटिंग। तो सबसे पहले ऐप स्टोर में आइए, ऐप स्टोर में आके देखिए कैनन मल्टी कैमरा कंट्रोल, कैनन मल्टी कैमरा कंट्रोल में आइए। अपने ओपन ही क्लिक करते हैं, ओपन करने के बाद ये स्टार्ट करेंगे, क्लोज अलाउ करते हैं, रजिस्टर मैनुअल कैमरा ओके करते हैं, इंटर कनेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एप्लीकेशन में आइए, एप्लीकेशन में आके यहाँ आपको रजिस्टर में आना पड़ेगा, ऐड कैमरा, ऐड कैमरा कीजिए, ऐड कैमरा या रजिस्टर ग्रुप, ओके किए 605। देखिए कैंडिडेट लिस्ट आ गया 605, ये कनेक्शन ले लिया, ठीक है।
कनेक्शन जैसे ले लिया, अब आपको क्या है, इसको बैक कीजिए। अब देखिए ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा कैमरा। अब कैमरा मैं सामने भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कैमरा सामने कर दे रहा हूँ। अगर हमको जूम करना है तो हम यहाँ देखिए क्या क्या कर सकते हैं। ये यहाँ रिकॉर्डिंग का है, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं इसको पहले कैंसिल करता हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि कार्ड है नहीं। तो अगर मैं शटर स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं शटर स्पीड बढ़ा सकता हूँ। देखिए यहाँ शटर स्पीड बढ़ रहा है। शटर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं इसको, हम क्योंकि इसको मैनुअल में आप ऑटो कर सकते हैं, ऑटो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद परचर, आप जो भी फंक्शन आप इधर में देखिए मैं कर रहा हूँ। यह मल्टी कैम दिया हुआ है, लाइव व्यू दिया हुआ है, प्लस मैं अगर मैं इसको जूम करना चाहता हूँ, देखिए जूम भी कर सकता हूँ। देखिए जूम हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी फंक्शन है, जूम इन आउट हो रहा है। और यहाँ जो जो फंक्शन आप कर सकते हैं, प्लस यहाँ आपका जो क्या क्या है ऑप्शन वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ क्लिक कर सकते हैं डीवी, ये सब ऑप्शन आ गया है, लॉक, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये मल्टी कैम एप्लीकेशन है, अगर मल्टी कैमरा है तो आप बहुत सारे कैमरास को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं और इसको नॉर्मल में आ जाते हैं और इसको लाइव व्यू को बंद करते हैं, इसको नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, पूरा व्यू आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन है। मैं जो देखे, मैं जो जो चीज़ करना चाहता हूँ करें, ऑटो वाइट बैलेंस में आता हूँ तो ऑटो वाइट बैलेंस में अभी दिया हुआ है, अभी BT709 इंडी फिल्टर ऑफ, देखिए इंडी फिल्टर। तो जो जो ऑप्शन है पूरा ऑप्शन को आप इजली तरीके से कर पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।